जिनका पहले आय स्रोत ऐसा था, उनके कुछ लोगों की दिक्कत आ सकती है, लेकिन आम जनता बहुत खुश है। आम जनता, आपको ऐसा नहीं लगता इकोनॉमी में कोई दिक्कत आई, रिसेशन चल रहा है अभी देश में? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये सारी चीज़ें, आप जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी 154 देशों में लागू थी, कांग्रेस भी इसको लागू कराना चाहती थी, परंतु उसमें हिम्मत नहीं थी, उसमें काबिलियत नहीं थी। हमारे राष्ट्र ने भी अगर एक जीएसटी को प्रारंभ किया तो आज जीएसटी की कहीं कोई बुराई नहीं कर सकता। और यदि हम ऐसा पैसा जो कुछ लोग ही इकट्ठा करते हो, आम जनता के पास वो सुविधा ना पहुंच सके, वो पैसा ना पहुंच सके, तो ऐसा पैसा बेकार कि कुछ लोग ही उसको उपयोग कर सके, इन सारी चीज़ों को लगते कुछ लोग एक बात कह सकते हैं, परंतु आम जनता को जितनी सुविधाएं मिली हैं, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो तमाम क्षेत्रों में, जिस प्रकार से हमने विज्ञान और जिस तरीके से हमने प्रगति की है, कृषि क्षेत्र में हमने प्रगति की है, जिस प्रकार से हमने जल क्षेत्र में प्रगति की है, एक एक घर में जो उज्ज्वला गैस पहुँची है, इन सारे चीज़ों को देखें एक बहुत अच्छी चीज़ आना पड़ता है। आपको कोई ऐसा आंदोलन याद हो जिसके साथ आप जुड़े हो, चुनाव जीतने से पहले, राजनीति में एमएलए बनने से पहले किसी आंदोलन के साथ आप लंबे समय तक जुड़े हुए हो, या आपने कोई जनता के इसमें कोई बड़ा आंदोलन करा हो? छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए बहुत सारे जनता के हित के मुद्दों को उठाया, चाहे वो स्थानीय लोगों के रोजगार का विषय हो, उसको लेकर उसके मुकदमे भी दर्ज हुए, और लंबे समय तक स्थानीय जो हमारे नवयुवक थे उनकी मांग को पुरजोर रूप से उठाया, मुकदमे भी लगे, जेल भी गए, और कई लोगों को स्थानीय जो हमारे उद्योग थे उनमें भर्ती भी करवाया। इसके अतिरिक्त भी जब भी जो भी कोई ऐसा विषय रहता है जो जनता के हितों पर कुटाराघात करने से हो, अथवा कोई प्रशासनिक रूप से अन्याय अत्याचार हो, पुलिस रूप से अत्याचार हो, तो हर मामलों में जो है पूरी तरीके से संघर्षरत रहे, और इसके लिए एक बार जेल भी जाना पड़ा, उन्होंने भी लगे जनता के लिए सब कुछ। सर, हर राजनीति का कोई राजनीतिक गुरु होता है जिसको देख के वो आगे बढ़ रहा होता है, जिसको देख के वो काम कर रहा होता है, आपके कौन है? जगदीत है, मेरे तो आदरणीय ओम बिरला जी का आशीर्वाद है, और मेरे राजनीतिक गुरु भी है, मेरे आदर्श भी है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज पूरी जनता की सेवा में लगी हूँ। सर, ऐसा कोई काम जो आपको लगा हो अभी नहीं हो पाया, कोई ऐसा बड़ा काम जो आपको करना है आपके लोगों के लिए, आप जनता के लिए? देखिए, हवाई अड्डा आ गया है, तो हवाई अड्डे में कितना टाइम लगेगा सर अभी और करने में? उसको अब जनता को उसकी सुविधा कब तक मिल पाएगी? अब प्रक्रिया चालू हो गई है, ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा, और बहुत जल्दी कोटा वालों को एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा, जिसमें संपूर्ण विश्व हवाई जहाज जाएंगे, और बड़े स्तर का विकसित हवाई अड्डा कोटा शहर में बनने वाला है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि आम जनता खुशी रहे, संतुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लगातार प्रयासरत रहते हैं, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी का विषय हो, अथवा उनके इलाज से संबंधित विषय हो, उनकी जहाँ वो उनका लोकल निवास है वहाँ की सड़कें दुरुस्त हों, वहाँ की गाड़ियाँ दुरुस्त हों, वहाँ की सीवरेज दुरुस्त हों, वहाँ के पार्क अच्छे हों, क्लीन हों, स्वच्छ हों, ये सारी जो चीज़ें हैं उन पर हमारा विशेष। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय हमें देने के लिए।